अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। नहीं दोस्तों, कुर्बानी के जानवर माशाल्लाह ले लिए हैं। आज पूरा ब्लॉग तो बनाया नहीं गया है, ये दो जानवर हैं आप लोगों ने बताना है कैसे हैं। तो अभी बस फाटक पे वेट कर रहे हैं, ट्रेन गुजरती है तो उसके बाद चलते हैं घर, आपको जाके मिलते हैं सेटअप पे। बड़े मेरा ब्लॉग लेट हो रहे थे, बस मैं चीज़ों में लगा हूँ। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे ब्लॉग आते रहेंगे आपके पास, तो आप लोगों ने बताना है कैसे हैं। बकाया जानवर की लुक मैं घर जाके आपको दिखाता हूँ। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और फैमिली एंड मेंबर के साथ शेयर करना है, बहुत शुक्रिया। दोस्तों बस फाटक का वेट कर रहे हैं, जैसे ही ओपन होता है तो हम चलते हैं फिर घर, फिर आपको सेटअप पे जाके मिलते हैं, फिर जानवरों की पूरी लुक आपको चेक कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? वेलकम करते हैं अपने चैनल पर गाँव शहर में। कैसे हैं दोस्तों? आज वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, दरअसल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज भी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन वीडियो मैंने कहा चले अपने सेटअप के बारे में आपको बताया जाए। तो हम जो मैं पिछले दिनों में ब्लॉग डाल रहा था उसमें कुर्बानी के जानवर आपको दिखाने जा रहा था, यह हम लेने जा रहे हैं। इस बार मंडी से मैं ले आया हूँ कुर्बानी के जानवर, आपको हम दिखाते हैं और आपको मिलते हैं अपने ऊपर वाले शेड से बकरों के सेटअप पे। तो चल रहे हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। और दोस्तों आपको टैग, आपको थमल, ये हैं हमारे जानवर कुर्बानी के। आप लोगों ने दुआएं करनी है कि अल्लाह इनकी सेहत तंदुरुस्ती रखे। तो देखें दोस्तों, आपने बताना है आपको जानवर कैसे लगे और दुआएं करनी है। अल्लाह ने बहुत प्यारे जानवर दे दिए हैं, आप लोगों ने भी बताना आपको कैसे लगे। तो ये मैं ले आया था मंडी से, तो अब इंशाल्लाह इसकी केयर करेंगे, ठीक है। इसको खाना वगैरह इसका जो है उसका सेटअप करेंगे। यहाँ पे इनका शेड थोड़ा सा होगा ऊपर करके, तो ये इनकी जगह होगी। आपको ये आज के बाद मेरे ब्लॉग में नज़र आएंगे, ईद तक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह इसकी इनकी ज़िंदगी रखे। तो आप लोगों ने बताना है दोस्तों आपको कैसे लगे हैं मेरे जानवर, शेयर करना है, लाइक करना है और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना है आपने। आप लोगों ने साथ साथ मुझे बताना भी है कि आपको जानवर हमारे कुर्बानी के कैसे लगे। अल्लाह इनकी सेहत तंदुरुस्ती रखे, माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं। आप लोगों ने अब बताना है, तो साथ साथ आप लोगों ने इसका नाम भी सजेशन देना मुझे, माशाल्लाह ज़रूर करना दोस्तों आपने। अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए, और जो जो लोग ले रहे हैं मोहब्बत के साथ ले रहे हैं उनकी, और जिन्होंने ईद पे लेने, अल्लाह उनकी भी कुर्बानी कबूल फरमाए। और थोड़ा सा व्यू मैं आपको दूसरे जानवरों का भी दे देता हूँ। ये हमारी रानी और रानो चारा खा रही हैं, ये हमारा टैडा, वो हमारा बट साहब बैठे खड़े हैं, और ये हमारी छोटी अली, और ये टैडे की माँ। तो माशाल्लाह सारे जानवर ठीक हैं। आप भी कहते होंगे अभी सिर्फ जानवरों की वीडियो ही आ रही है इसकी, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बकाया वीडियो भी आएंगी। आपको आपको मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करना, ताकि आपको इसके अलावा और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। दोस्तों आपको आस्ता आस्ता इस सेटअप पे गांव शहर में और भी चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है मुझे। और ये जानवर काफ़ी दिन से पहले आए हुए थे, बस मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं आ रही थी मेरी। ये देखें माशाल्लाह आपको कैसे लगे हैं, ये आपस में लड़ने लग गए थे इसलिए इनकी जगह चेंज कर दी हमने। तो आमने सामने हम बांधते हैं, एक इधर आ गया तो एक ये है। ले बताना है दोस्तों आपने आपको हमारे जानवर कैसे लगे और क्या जानवरों को डाला जाए। वैसे मुझे जो चीज़ें पता है मैं इंशाल्लाह वो डाल डाल के आपको दिखाया भी करूँगा कि इनकी इंशाल्लाह और अच्छी सेहत कैसे करनी है हमने। तो दोस्तों इन्हें चारा तो डाल दिया हमने थोड़ा थोड़ा, और बस ऊपर आया था वीडियो बनाने के लिए तो मैंने सोचा थोड़ा सा चारा डालते जाएँ, अभी खा रहे हैं सारे। आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारे जानवर कैसे लगे।